Hello everyone, a warm welcome to another YouTube video. This is Aitman Pit and you are watching Ask Viewer channel. I hope you are all fine and safe. This video is all about a cue card. Describe an unusual holiday. आपको एक ऐसी holiday के बारे में बताना है जो usual ना हो and what holiday it was. Clues आपको दिए हुए हैं कि ये holiday कौन सी थी, who you were with, आप किसके साथ थे, what you did, आपने क्या किया and explain why it was unusual और क्यों explain करना है कि क्यों ये unusual थी, यानी कि बाकी holidays के comparison ये आपको unusual लगी. So let's start with the simple answer of this cue card topic. Before starting the simple answer, I just request you, if you are new here, then please do subscribe and press a bell icon for new updates. Let's start with simple answer. One particularly unusual holiday that stands out in my memory happened just 5 months ago. कहते कि एक ऐसी holiday की अगर मैं बात करूँ तो मेरी memory में आ रही है जो 5 महीने पहले की है. I vividly remember it happened at my own home. ये बिल्कुल मेरे घर में ही हुई थी अगर मुझे अच्छी तरह से याद है तो. Generally holidays for me meant traveling to a new destination, exploring different culture and stepping up द कम्फर्ट जोन ऑफ माई डेली रूटीन. मेरे लिए अगर बात करो हॉलीडे की तो वो है एक न्यू डेस्टिनेशन पर जाना, डिफरेंट कल्चर को एक्सप्लोर करना, अपने कम्फर्ट जोन और डेली रूटीन से बाहर पैर रखना. हाउएवर दिस टाइम ड्यू टू अ बैड वेदर कंडीशंस इंक्लूडिंग ट्रेवल रिस्ट्रिक्शंस आई फाउंड माई सेल्फ प्लानिंग अ हॉलीडे विद इन द वॉल ऑफ माई होम. पर इस बार की अगर मैं बात करूँ बैड वेदर कंडीशन होने की वजह से, साथ ही साथ ट्रेवल रिस्ट्रिक्शंस होने की वजह से हमने अपनी हॉलीडे जो है प्लान की अपने घर की चार दीवारी में. सो ये मेरे लिए अनयूजुअल था. I shared this experience with my family who were also tense about the idea of a holiday at home. मैंने ये experience अपनी family के साथ share किया जो इस बात को लेकर tense या nervous थी कि ये idea जो है घर में holiday plan करने का ये work करेगा या नहीं. Normally we were left home during holiday, not staying within it. Normally हम क्या करते हैं usually, यानी कि usually जो नहीं हुई चीज़ वो unusual है. Usually हम क्या करते हैं अपने घर को छोड़ देते हैं during हॉलीडे में. जब कोई छुट्टी होती है, हमने छुट्टियों के लिए जाना होता है तो हमने घर से बाहर जाते हैं, घर में नहीं रहते. द चैलेंज वॉज टू ट्रांसफॉर्म आवर एवरी डे इन्वायरमेंट इन टू समथिंग दैट वी फेल्ट न्यू एंड एक्साइटिंग. पर इस बार चैलेंजिंग क्या था हमारे लिए, हमारे लिए चैलेंजिंग था कि जो एवरी डे का इन्वायरमेंट है हमारे घर का उसको हम डिफरेंट कर दें बिल्कुल. यानी कि हॉलीडे प्लान हम कर रहे हैं घर में तो कुछ एक्साइटिंग, कुछ न्यू हो उसमें ताकि हमें मज़ा आए. सो टू इन्जॉय अ हॉलीडे एट होम वी प्लान सम एक्टिविटीज़ दैट लीड टू ब्रेक अवर बोरिंग और डेली रूटीन. हमने क्या किया अपनी हॉलीडे को घर में इन्जॉय करने के लिए, कुछ एक्टिविटीज़ प्लान की ताकि हमारा जो डेली का रूटीन है, जो बोरिंग रूटीन है, उससे हमें ब्रेक मिल सके. वी किक्ड ऑफ अवर स्टेकेशन विद अ थीम डे, टर्निंग अवर लिविंग रूम इनटू अ मेकशिफ्ट कैंप साइट कंप्लीट विद अ टेंट एंड इंडोर पिकनिक. हमने क्या किया बाहर जाकर रहने के बजाय हमने एक थीम प्लान किया, हमने अपने लिविंग रूम को एक कैंप साइट में कन्वर्ट कर लिया, कैंप साइट में जहाँ पर हमने टेंट लगाया और इंडोर पिकनिक के लिए प्लानिंग कर ली. वी ऑल्सो डेडिकेटिंग डे टू एक्सप्लोरिंग इंटरनेशनल मील्स वेयर ईच मेंबर वर रिस्पॉन्सिबल फॉर कुकिंग अ डिश फ्रॉम अ डिफरेंट कंट्री. हमने क्या किया कि अपने ये भी एक्सप्लोर किया कि हम जो है वो कुकिंग करेंगे इंटरनेशनल मील्स की, यानी कि हर पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा दी कि उसने कुछ ना कुछ कुक करना है, डिफरेंट कुक करना है जो डिफरेंट कंट्री से इंटरनेशनल मील्स हों. दिस नॉट ओनली ब्रॉट वेराइटी टू अवर मील बट ऑल्सो स्पार्क कन्वर्सेशन अबाउट प्लेसेस वी विश टू विजिट इन द फ्यूचर. सो इसने क्या किया, ना सिर्फ हमारी जो मील था उसमें एक वैरायटी शो की, यानी कि हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस हो गई खाने की, बल्कि इसने एक और काम किया कि हम जो फैमिली मेम्बर थे उनके बीच कन्वर्सेशन स्टार्ट हो गई कि हम फ्यूचर में इस कंट्री में जाकर घूमना चाहते हैं, क्योंकि जिनको जो जो कंट्री पसंद थी उन्होंने वहाँ की डिश जो है वो बनाकर हमें खिलाई.
What made this holiday unusual was not just the sitting at home, सिर्फ घर में रहना ही इसको unusual नहीं बनाया, but the condition in which we were not able to do some extraordinary task, बल्कि उसने बनाया कि हम कुछ ऐसे extraordinary task थे जो हम नहीं करते normally, वो हमने किए. We discovered joy in simplicity, creativity and finding adventure in the familiarity of our home. हमने discover किया अपनी खुशी, creativity, हमने अपने अपने टैलेंट को शो किया मील्स बनाकर, प्लस हमने एडवेंचर गेम्स खेलकर भी, वो भी सिर्फ अपने घर के अंदर रहकर, वो सब कुछ हमने डिस्कवर किया. नो डाउट इट टॉट अस द वैल्यू ऑफ बीइंग टुगेदर, मेकिंग मेमोरी आउट ऑफ द ऑर्डिनरी मोमेंट एंड appreciating the comfort and our home could provide, but a holiday at home was not a useful activity to do. ना सिर्फ इसने हमें ये सिखाया कि किस तरह से इकट्ठे रहना है, एक strong bonding एक family के साथ, एक ordinary moment को एक special moment में convert कर दिया. So एक घर में हमने किस तरह से activities की, वो सारी चीज़ें जो है इसको impressive और इसको unusual से बेटर एक्सपीरियंस में कन्वर्ट कर दिया. इन द लास्ट इट वॉज अ हॉलीडे विच वॉज वेरी अनयूजल फॉर मी इन माई होल लाइफ. अगर मुझसे पूछो कि कौन सी ऐसी हॉलीडे थी, तो यही वो हॉलीडे थी जो मेरे लिए अनयूजल थी एंड बेटर एक्सपीरियंस था मेरे लाइफ का, पूरी होल लाइफ का. सो दिस इज अ सिंपल आंसर ऑफ दिस क्यू का टॉपिक. आपके माइंड में कौन सा आंसर चल रहा है, या फिर आपके लिए कौन सी ऐसी हॉलीडे थी जो अनयूजुअल रही, प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा. एंड अगर आपको किसी और क्यू कार्ड में दिक्कत आ रही है, आपको लगता है कि उसका सैम्पल आंसर आपको चाहिए, देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, देन प्लीज़ डू इट फास्ट, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि आपसे कोई नोटिफिकेशन मिस ना हो. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. स्टे ट्यून्ड विद मी.